और मैं कह सकता हूं कि इस 39 वर्ष के इस इतिहास में उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं, और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। जब पार्टी बनी थी तो उस समय हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की थी, जिसको कमिटमेंट्स कहते हैं, प्रतिबद्धताएं, पंचनिष्ठा। वो घोषणा थी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की, पहली घोषणा थी, सर्वोपरि थी। दूसरी थी सर्व पंथ समभाव, सभी मजहबों में परस्पर का सौहार्द। तीसरी थी स्वस्थ लोकतंत्र, सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी और लोकतंत्र में समुचित तौर पर जो भी चुनाव के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया है सब लोग निष्पक्षता के साथ कर सकें। और चौथी थी शोषण मुक्त समता युक्त समाज की स्थापना। पांचवी थी नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति। ये पांच कमिटमेंट थे जिसको हमने पंचनिष्ठा कहा, और उस आधार पर हम काम करते आए हैं। और अंत में दीनदयाल जी उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का दर्शन है, उस एकात्म मानववाद दर्शन पर आधारित ये सारी चीजें होंगी। और इसलिए अगर देखेंगे तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को हमने सर्वोपरि माना है। देश के अखंडता, सार्वभौमता, इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके, इसको लोग अपने ढंग से जबरदस्ती करने का प्रयास न कर सके, इसके लिए हम हमेशा सजग रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर काम करते रहे हैं। शोषण मुक्त समता युक्त समाज की बात हमने कही थी, उसी के अंतर्गत अंत्योदय की कल्पना को साकार किया। और जब जब भी हमारी सरकारें आई, हमने प्रयास किया कि जहां राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को सर्वोपर रखते हुए देश की अखंडता अक्षुण्णता उसको हम व्यवस्थित रखें, वहीं देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें भी परस्पर लोग स्वावलंबन के साथ जीवन व्यतीत कर सके, स्वावलंबी बन सके और गरीबी और अमीरी का अंतर कम हो सके। गरीबी नारे से नहीं, तो इसको हम कार्यक्रमों के माध्यम से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके, ये हमने हमेशा किया है, इसको ज्यादा फोकस किया है और इस आधार पर हम लगातार काम करते गए हैं। आज जो हमारी स्थिति बनी है, लोग कहते हैं हाँ इस समय तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को हमने मुद्दा बनाया है इस समय, और जब से मोदी सरकार आई है आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और सबसे हमने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की जो शरणस्थली है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उद्देश्य को अलग थलग करने का प्रयास किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों को उत्प्रेरित किया आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। और अपने देश में जिस तरीके से आतंकवादियों की गतिविधियां चल रही थी, लगातार उन गतिविधियों को रोकने के लिए और आतंकवादियों के समापन के लिए हमारे तरफ से प्रयास चले हैं और लगातार उसमें सफलता भी मिलती जा रही है। पुलवामा का कांड हुआ, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि किस वक्त का कांड था, 42 लोग मारे गए। उसको हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लेकर सैनिकों को उसके अनुरूप स्ट्रेटजी बनाने के लिए छूट दी और किस ढंग से आतंकवादियों को
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अगर आवश्यकता पड़ी तो जहां से उनका संचालन होता है वहां पहुंचकर उनके संस्थानों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। और आपने प्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण देखा कि हमारे वायु सैनिकों ने अपने शौर्य का, अपने कुशल रणनीति का, स्ट्रेटजी का परिचय देते हुए जैशे मोहम्मद के ठिकानों को वालकोटा और बाकी स्थानों पर ध्वस्त किया और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, उनके किसी प्रकार के सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ। आतंकवादी के विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है तो वही हमारा टारगेट होगा। इसे बार बार शब्द प्रयोग किया गया, लक्षित केंद्र, उसको टारगेट बनाया। और पाकिस्तान को भी ये कहा कि आप जैशे मोहम्मद को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की दृष्टि से आगे बढ़िए, अन्यथा इसका परिणाम भी ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले सबूत मांगा कि क्या सबूत है कि आपने उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, क्या सबूत है कि पुलवामा में जैशे मोहम्मद के लोग रहे। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोग ने भी सबूत मांगना शुरू किया, हमारे देश की कुछ ऐसी पार्टियों ने सबूत मांगना शुरू किया कि ये कहां कितने लोग मारे गए, ये आंकड़े ठीक नहीं है, ये दुखद रहा है। ठीक है, प्रतिक्रिया में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके कारण जो आतंकवादी हो या दुश्मन देश हो उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो, लेकिन प्रतिक्रिया में जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के बंधुओं ने और दल के लोगों ने पुलवामा को, एक नेता ने तो कहा कि ये तो दुर्घटना है, और दल के लोग उन्होंने भी कहा कि ये तो सोची समझी रणनीति के अंदर करवाया गया है, प्रधानमंत्री को भी आरोप लगाया। ये सारे बयान ये आतंकवादियों को और दुश्मन देश को जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है उसका मनोबल बढ़ा है, ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और बार बार जो इस बात की बातें की जा रही है वो अच्छा नहीं है। और इसलिए हमने इसको, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में हमारे अखंडता को, हमारे अभिन्नता को खंडित करने की दृष्टि से कोई भी भारत भूमि में दुस्साहस करके आएगा तो इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री ने कहा। अब इन सारी चीजों को लेकर लोगों ने अनेक प्रकार की बातें कहनी शुरू की, दुर्भाग्यजनक है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया उसका गुणगान करने के स्थान पर कांग्रेस जैसी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, ये जवानों के शौर्य के ऊपर समीक्षा करने की बात कहकर हमारे यहाँ के जवानों के मनोबल को नीचा करने का प्रयास किया है, ये दुखद है। जो देशद्रोही ताकते हैं उससे संबंधित जो कानून है उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। हाँ, दुरुपयोग ना हो इसके तो कहना चाहिए, कानून का दुरुपयोग ना हो, निर्पराध लोग इसमें अनायास फंसाए ना जाए, ये बात आती है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मिटा देंगे। जो विशेष बल है जिस बल के आधार पर अलगाववादियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, दुष्ट ताकतों के साथ कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस बल को भी हम समाप्त करेंगे। और इतना ही नहीं तो फिर से जिस तरीके से पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान जिस चीज के लिए दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे, उसको फिर से जीवित रखने के लिए प्रोत्साहन
प्रदान किया गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि पीडीपी की नेता महबूबा जी ने कहा कि अगर 35A और 370 के साथ किया गया तो कश्मीर एकदम अलग हो जाएगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये भाषा बोलने का उचित नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि फिर से अलग झंडा होना चाहिए, अलग सदर रियासत होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये भाषा बोलकर संसद का अपमान किया है। संसद में कश्मीर भारत का भिन्न अंग है यह प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें सभी लोग थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने इन सारी चीजों को प्रोत्साहित किया है। ये दुर्भाग्यजनक है, प्रतिक्रिया में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसके कारण जो आतंकवादी हैं, दुश्मन देश है, जो देश के प्रति संकुचित भाव से सोचते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। इन घोषणा पत्र में इशारा किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने आते ही ये कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की प्रति समर्पित सरकार है और उसके अनुसार उन्होंने कार्यक्रम भी बनाए, चाहे जनधन खाता योजना होगी। आपको पता होगा कि उसमें गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, जब उसको भी कहा गया कि तुम अपना खाता खोलो तो उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं, कहां से खोलेंगे, कहा जीरो बैलेंस। बैंक का अधिकारी उस गरीब आदमी के घर में जाकर जीरो बैलेंस का खाता खोलने के प्रोत्साहित किया तो उस गरीब आदमी के अंदर एक स्वाभिमान का भाव जगा कि हमारे बीच का प्रधानमंत्री गए और कहा, और उसने कहा कि नहीं फिर जीरो बैलेंस का ठीक है 100 रुपया ही जमा करेंगे। और इसका इतना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, मैं कह सकता हूं कि 84,000 करोड़ का, 85,000 करोड़ का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ जो विश्व में अद्भुत है, बिना किसी प्रकार की बात किए हुए। 34 करोड़ लोगों का खाता खुला 5 वर्ष के अंदर, जो बहुत बड़ी चीज हुई। ये 85,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अनुदानित राशि होगी लोगों के पास जाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार का अनुदान होगा, किसी प्रकार की सब्सिडी होगी, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाएगा, सीधे जाएगा। दिवालिये जो थे इससे अलग हुए और इससे लाभ हुआ 95,000 करोड़ का। 95,000 करोड़ का लाभ हुआ, 60 करोड़ लोग इससे लाभान्वित थे। अब ये जो 95,000 करोड़, ये 85,000 करोड़, ये जो अनेक प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, ये सारे लग रहे हैं उसमें। लोग सवाल करते कहां से आएगा। ये सारी चीजें जो इस तरीके से जो फिजूल खर्ची में पैसा जाता था इधर उधर, इन गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा योजना बनाकर इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा बीमा, जो गरीब आदमी या सामान्य सड़क पर जाते दुर्घटना में मर गए जाते हैं, केवल साल में 12 रुपए देकर बीमा कराइए, दुर्घटना में मृत्यु हो 2 लाख उसको प्राप्त होगी। उसी पर आ रहा था नहीं ये मुझे दुर्भाग्य है। आप घोषणा पत्र हमारा देख लीजिए, मैं वही कह रहा था। सो ये आप बीच में कह दिए, मैं अब जल्दी समाप्त करूंगा क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समाप्त करूंगा। लेकिन इतना मुझे इसलिए लग रहा था कहना आपके बीच में, ये तो पहली बार मेरी पत्रकार वार्ता है, दूसरा आज स्थापना दिवस है, तो इसलिए जो हमने कमिटमेंट किया था स्थापना दिवस के अवसर पर, उस स्थापना दिवस के कमिट द्वारा किए गए कमिट के आधार पर हम काम कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। और इसलिए ये जो उदाहरण दे रहा हूं वो उसके अंतर्गत का दे रहा हूं। हमने इसको जमीन पर उतारा है, मैं जनधन खाता योजना की बात इसलिए कह रहा हूं, जमीन पर उतारा है हमने, लोगों को लाभान्वित किया है हमने। अगर उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवार में गैस का कनेक्शन दिया, लोगों से सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया, तो जमीन पर उतारा है, मिला है लोगों को। हमने अगर
गांव में रहने वाला आदमी सरकारी पेंशन 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए मिलती थी और पेंशन को लेने के जिला हेडक्वार्टर पर आता था तो जितनी पेंशन नहीं मिलती थी उतना खर्च हो जाता था। तो हमारे प्रधानमंत्री का नहीं, कम से कम 1,000 रुपए पेंशन होगी और उनके खाते में जाएगी, सीधे उनके खाते में, उनको आना नहीं पड़ता। ये सारी चीजें गरीबों के लिए की गई है। इसी ढंग से किसानों की बात आप कह रहे हैं, किसानों के लिए 6,000 रुपया वार्षिक, 2,000 रुपया त्रैमासिक, लगभग 75,000 करोड़ इसमें खर्च होगा। 12 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे, 5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा नहीं की, उन्होंने इसको लॉन्च करके सबसे पहले 2,000 रुपया इस प्रकार के किसानों के खाते में चला गया, 2,000 रुपया उनके खाते में चला गया। आप पूछ लीजिए, वही आगे भी जाने वाला है। इसी ढंग से राजीव गांधी जी कहा करते थे कि यहां से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है, जो 15 रुपया कहां, इसके 85 रुपया कहां चला जाता है, बिचौलिए खा जाते थे। हमने उसको रोका है, हम कहे नहीं, 95,000 करोड़ रुपया से है, ये गरीबों के लिए किया है। ये जो 72,000 रुपया इन्होंने घोषणा की, उस प्रोसेस क्या हो, किस तरीके से करना चाहते हैं, गरीबी ऐसे नहीं हटने वाली है। पैसा पैसा सर सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए मेरी, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, गरीबी नारे से नहीं जाती है, उन गरीबों को काम देने से जाती है। और हमने जो दिया है काम के रूप में दिया है, हमने जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं दी हैं, चाहे मुद्रा योजना होगी उसको आप लीजिए, पैसे लीजिए, काम करिए, छोटे लोग हैं, और उसके अंदर 1,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए बिना गारंटी लोन काम किया, छोटे कारोबारियों ने काम किया। तो ये सारी चीजें हम एक एक योजना है, उज्ज्वला योजना के बाद हमने जानबूझ कर रखी। तो मेरा हमें समाप्त कर लेंगे, अभी एक मिनट। ये हमारे सम्मानित योग्य पत्रकार बंधुगण हैं, मेरी प्रार्थना है नहीं, ये लोग बड़े योग्य हैं, मैं जानता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गरीबी के लिए हमने योजना बनाकर दिया है ताकि वो आदमी काम करे, अपने बल पर खड़े हो। मेक इन इंडिया हमने इसीलिए दिया कि छोटे छोटे उद्योग छोड़े, प्राइम मिनिस्टर इंप्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से 5 लाख तक का कर्जा दिया, ये हो स्टार्टअप के माध्यम से टैलेंटेड युवा उसको हम दे रहे हैं, खड़ा हो रहा है। मेरा ये कह रहा है, उन्होंने चूंकि पूछा 72,000 रुपये वाले, तो मेरा कहना है 72,000 रुपया देना नहीं तो उसके लिए स्वयं काम करके देना चाहिए। ये परवाना नहीं है, वरिष्ठतम पत्रकार है जी, बताइए परवाना जी, बताइए। हाँ बताइए, ये पूछ रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, या हरियाणा के प्रभारी के नाते आपसे सवाल पूछे, या दोनों पूछ ले, हरियाणा का पूछ रहे, देश का पूछ रहे, ये पूछ रहे। देखिए, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, स्थापना के समय जो हमारे कमिटमेंट्स थे और क्यों हमने पार्टी बनाई थी, मैं ये उचित समझ रहा था एक पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पदों को भी उसकी जिम्मेदारी निर्वहन करने के नाते और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चीजें जाएं इस नाते भी ये उचित मैंने समझा, कितनी बात आपके सामने रखी जाए और वर्तमान प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं आज के लिए उसको भी हमने किया है और हरियाणा की बात भी बताता तब तो आप बोले, अब आप पूछ सकते हैं सवाल। चलिए बोलिए बोलिए, भारतीय जनता पार्टी
साफ तौर पर कह रहा हूं कि ये हमारे प्रारंभ की ही जनसंघ के जमाने से ही ये प्रतिबद्धता थी है। हम चाहते हैं कश्मीर के ये जनता कश्मीर मुख्य धारा के अंतर्गत प्रवाहित हो, पूरे देश के लोग भी प्रसन्नता पूर्वक कश्मीर में जाकर वहां रह सकें, महसूस कर सकें हमारा है। ये कुछ बैरियर जो बने हुए हैं कि नहीं जमीन ले सकते, नहीं जा सकते, ये बैरियर खत्म होना चाहिए, ये सारी चीज हम चाहते हैं। पहले तो ये यहां तक था कि कश्मीर के अंदर दो प्रधान होंगे, दो निशान होंगे, जैसे मैंने पहले बताया, जिसका अभी फारूक अब्दुल्ला जी ने नारा लगाया है, ये भी समाप्त हुआ। अब इस क्रम में क्रमशः लोगों का मानस बनाते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर के लोग भी संसद में जिस तरीके से पास हुआ कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं। मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए जैसी भी जब भी आवश्यकता होगी लोगों को विश्वास में लेकर 370 धारा के बारे में भी हम निर्णय ले लेंगे, ताकि पूरा का पूरा सब लोग साथ में जुड़कर आए, ये हम चाहते हैं। और उस दिशा में एक आपने उत्तर कुछ लोग, मैं इसलिए बताना चाहता हूं ना, क्योंकि कश्मीर की जनता का रुझान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। केवल मात्र कुछ राजनेतागण अपनी सियासत के लिए और कुछ अलगाववादी तत्व, इनके द्वारा वातावरण को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको भी हम अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग कश्मीर के बंधुओं को मुख्य धारा के साथ जोड़ने में बाधक बन रहे हैं, और वो हम अलग थलग करने के पश्चात समय आने पर हम निश्चित रूप से उसके अनुरूप आवश्यक निर्णय ले लेंगे। हमने 15 लाख का कभी वादा नहीं किया था, पहला साफ करना चाहता हूँ। एक बार भाषण में कहीं सार्वजनिक भाषण में हमारे नेता जी के मुंह से बात निकल गई थी कि वहां से जब काला धन ले आए तो 15 लाख भी एक ही घर में जा सकता है, ये बोले थे। न तो घोषणा पत्र में, न कभी प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात की बात नहीं कही। उसी एक बात को झूठे तौर पर प्रचारित करके आम जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। हम 15 लाख क्या, उससे ज्यादा ही लोगों को अपनी योजनाओं के माध्यम से आमदनी कराकर उनके खाते में जमा करवा दिया है, ये तो हुआ है। ये 15 लाख की बात यह रही। दूसरी बात, आपने कहा कि ये 72,000 ये 10 वर्ष तक हमारी सरकार आने के पहले थे, उसमें 72,000 के बारे में क्यों नहीं सोचा। इन्होंने कहते हैं 72,000 जो 12 उसमें है, 12,000 हर व्यक्ति को देंगे, न्यूनतम आय वाले के लिए कहा है। 12,000 में कुछ कम होगा, 6,000 हुआ तो 6,000 बढ़ा दे, ऐसा करके उन्होंने 72,000 दिया है। और कैसे दिया करेंगे, तो कहते DBT के माध्यम से करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते इन्होंने लगातार विरोध किया है, ये कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया तो समझाएं, समझ में तो आए। मुझे नहीं लगता ये जैसे वादे पहले करते रहे, 2009 में भी बहुत सारे वादे किए थे, 2004 में भी बहुत सारे वादे किए थे, यही भी वादा नहीं पूरा हुआ। तो इसलिए और वो एक चीज मैं कह रहा था, घोषणा पत्र की बात उन्होंने कही, इसलिए कह रहा हूं घोषणा पत्र के मुख्य पृष्ठ पर उन्होंने जो दिया है, हम निभाएंगे, आपने पढ़ा है ना, देखा है ना आप लोगों ने, हम निभाएंगे, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस स्वयं क्रिटिक कॉन्शियस है, उसको ये लग रहा है कि महसूस कर रहे हैं वो कि हमने जो घोषणा इसके पहले किया उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं।
और इस बार हम यही कह करके जनता को बेवकूफ बनाए कि हम निभाएंगे, तो स्वयं इस मामले में विश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं, उनको स्वयं लग रहा है कि घोषणा मात्र केवल हम कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उन्होंने क्या कहा है, कैसे कहा है, इन्होंने कैसे स्टिंग किया, ये उन्हीं से पूछना ज्यादा अच्छा है। इसके बारे में जो लोकसभा के प्रभारी हैं, सीटें जो है सीटें अनाउंस होने की कुछ वक्त पहले कहा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पहले विरोधी जो है विपक्षी पार्टी जो है वो टिकटें देख लेते हैं, जिनको देते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने देंगे, तब तक अनाउंस हो जाएगी। देखिए चुनाव 12 मई को होने वाला है, तो अभी बहुत समय है, किसी भी समय घोषणा हो सकती है। क्या शुभ नाम क्या आपका? जी 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 मंथन चिंतन किया है लगातार हरियाणा के साथ, जो 10 चेहरे हरियाणा में भाजपा के होंगे, 10 चेहरे जो उनमें से 7 आपके पास पहले सांसद हैं, क्या बदलने की जरूरत है या क्या क्या रहेगा? वैसे चेहरे होंगे जिसको देखकर आप बड़े प्रसन्न होंगे और आपकी भी इच्छा होगी कि आप भी अपना मतदान अपने परिवार के साथ कराएंगे, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, ऐसे चेहरे होंगे। भाई भाई घोषणा होने के बाद सब पता लग जाएगा कि कौन बदले गए हैं और कौन नए। प्रक्रिया पूरी होगी। हाँ बताइए। देखिए पहला सवाल जो आपने पूछा है, पीडीपी की संख्या और बीजेपी की संख्या इस बार की थी कि हम सरकार बना सकते हैं, और हमने ये सोच बनाया कि हम काफी मात्रा में बीजेपी क्या है, किस वजह से हम काम करना चाहते हैं, पूरा देश हमारा एक है, कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अभिन्नता में एकता का एक स्वरूप है, इस हिसाब से काम करते हुए उनको हम एहसास कराने का प्रयास करेंगे, ये हमने करने की कोशिश। इस बार से हमने प्रयास किया, हमें लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें लगा कि अब जनता हमें चाहती है, भविष्य में हम वृद्धावर सरकार बनाएंगे, और जिस तरीके से कश्मीर की जनता को हर प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम करेंगे, जनता हमारे साथ जुड़ेगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। तो इस सब करें, और महबूबा जो इस प्रकार से बोल रही है इस समय कि कश्मीर कश्मीर अलग हो जाएगा और खतरनाक आदत जो बोल रही है, ये इससे हम सहमत नहीं है, ये ठीक नहीं है। दूसरा सवाल था आपका ये कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का तात्पर्य कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत इसका अर्थ नहीं था। वो हमने कहा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जिन नीतियों के कारण भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर घोटाला, भयंकर स्वार्थवादी प्रवृत्ति ये सारी चलती जा रही है, इस प्रवृत्ति को हम समाप्त करेंगे, इन नीतियों को समाप्त करेंगे, और उस दिशा में हमें काफी सफलता मिली है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति हमारे दल में आना चाहता है हमारे नीतियों के आधार पर, हमारी शर्तों के आधार पर काम करना चाहता, तो कोई आपत्ति नहीं। हम पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ रहेंगे फिर, क्योंकि कांग्रेस के, इनेलो के, दूसरी पार्टियों के आप में शामिल हो रहे हैं, आपके पास शामिल हो जाते हैं, उसके बाद टिकटें उन्हीं को मिलती है, कार्यकर्ता कहाँ रहेगा? आपका तो पूरा खिचड़ी बन गया, कांग्रेस में हो गया पूरी। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमारी पार्टी उत्तर दूं या आपकी पार्टी में आते ही उनकी विचारधारा और सारी नीतियां सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं आपके सवाल का ध्यान रखते हुए
एक मिनट आप उत्तर दूंगी ना, मैं दो वाक्य में उत्तर देता हूं आपका। ये देखिए हमारी पार्टी बड़ी पार्टी हुई है और सबको आने की छूट है जो हमारी नीतियों और हमारी शर्तों को स्वीकार करेंगे। हम सबको ले रहे हैं और लेने के पश्चात हम आकलन करते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, कि जो विनिबिलिटी है कहां से है और हमारे नीता और उसके आधार पर हम उसे करते हैं। और इसमें भी हम प्रायोरिटी कार्यकर्ताओं को देते हैं, ऐसा नहीं, हमारा जो नित्य प्रति काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें कोई लगता है कि नहीं अमुक व्यक्ति जीत सकता है तो स्ट्रेटेजी बस कुछ करना पड़ता है, और नहीं नहीं बीजेपी जिताऊ भी है, जिताऊ इसलिए कि आम जनता का कल्याण की दृष्टि से शासन में है तो हम काम करेंगे, और हम कैसा शासन देना चाहते हैं हम आदर्श रूप स्थापित करने का प्रयास करेंगे, इसलिए जिताऊ जरूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। जी क्या शुभ नाम आपका? हाँ देखिए औपचारिक तौर पर जो घोषणा होगी दिल्ली से नड्डा जी करेंगे वही माना जाएगा। है दैनिक जी जी ये या पूछ रहे हैं दो विषय हैं। एक तो मेरे दो साथी ने पूरा भी है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और इस एंगल से कहना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, अभी तो उधर ही के लोग पूछ रहे थे, सबसे पहले तो आपकी चले गए जाइए को पूछ रहे फिर आप पूछो, आप पूछ रहे के परवाना साहब पूछो, आप माइक आप नाराज ना हो। अब बोलिए बोलिए परमाना जी किस अखबार के हैं? बहुत पुराने हरियाणा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपकी पार्टी ने जो बड़ी लगा रखी है आप कब तक पांच पांच परवाना साहब आपने कहा कि हमारी पार्टी यहाँ है बड़ी उम्मीदें लोगों ने लगाई थी तो हम लोगों के उम्मीदों के अनुरूप काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पारदर्शितापूर्ण कार्य मनोहर खट्टर जी की सरकार ने किया है भूतकाल में इतनी पारदर्शिता से किसी ने नहीं किया होगा। जो डी ग्रुप का नियुक्तियां हुई हैं कितनी पारदर्शितापूर्ण रही हैं और भी विभिन्न कार्य हुए हैं बड़े पारदर्शितापूर्ण हुए हैं, सुशासन का एक स्वरूप कह सकते हैं। तो हरियाणा के जनता के मनसा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। जहां तक उम्मीदवारों की घोषणा का प्रश्न है मैंने आपको बता दिया कि वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाँ उसके लिए कानून बन गया बता रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं मिश्र जी। एक तो ये कि विपक्ष का ये कहना है कांग्रेस का भी और आईएनएलडी दूसरे जो ऑर्गन हरियाणा के कि बीजेपी तो बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है वोट कर रही है और इसलिए उनमें देरी हो रही है, उनका मंथन भी दो तीन बार हो गया और तब घोषणा नहीं हो रही है। दूसरा सवाल है वो राष्ट्रीय स्तर का है। आपने कमल के घोषणा पत्र पे बीजेपी के सभी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जितनी भी उसकी आलोचना की जानी चाहिए थी जो बिंदु निकाले जाने चाहिए कहे हैं लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट हमेशा रैलियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रफाल का विषय उठाते हैं और सीधे बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री चोर है 30,000 करोड़ रुपए निकाल के अंबानी की जेब में डालते हैं। इस पे कई बातें बीजेपी के नेताओं ने की हैं प्रधानमंत्री जी ने भी की हैं लेकिन आप इसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे इस पे क्यों नाराज हो जाते हैं रफाल वाले विषय? नहीं नहीं रफाल पर चूंकि उतने गिल्टी हैं वो उस मामले में मैं कह सकता हूं कि इतने दोषी हैं कि रफाल खरीदने के क्रम उन्हीं के जमाने में रफाल के बारे में एग्रीमेंट हुआ था, वर्षों लग गए और डिले नहीं हो पाया कि कैसे लिया जाएगा किस ढंग से लिया जाएगा कितना दाम होगा ये कुछ कर नहीं पाए।
और इसे जब हमारी सरकार आई उसको जल्दी हम करना चाहते थे, हमारे सैनिकों के पास आना चाहिए। हमने सरकारों के द्वारा एग्रीमेंट हुआ है, सरकारों के द्वारा एग्रीमेंट होने में किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं रही है। और बाकी जो सारी चीजें कर रहे हैं, जो बाकी का वो होता है, बाकी सामान वगैरह जब राफाल से संबंधित मांगते हैं, उसके लिए भी जो कंपनी होती वो तय करती है, सरकार नहीं तय करती है। और उसके लिए संसद के अंदर तर्कों के आधार पर चीजों को रखा गया, लेकिन राहुल गांधी और उनके लोग कुछ नहीं कर पाए। और तर्क जब नहीं दे पाए, तथ्य नहीं दे पाए, तो उसके बाद पीछे हटे गए, बायकॉट कर गए। तो वो केवल एक झूठ को 10 बार बोलना वो सही हो जाता है, ग्लोबल्स की थ्योरी को मान करके वो चल रहे हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, चौकीदार चोर है, इस भाषा का प्रयोग करते हैं। संस्थान को अवमूल्यित करने का ये दुष्चक्र है, संविधान की मर्यादा को समाप्त करने का ये प्रयास है, जो इन प्रकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रफाल के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, कोई इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ सत्य है। हमने आपको बताया ना 12 मई को होने वाला है, कोई याद नहीं है, और इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा कर देंगे। हाँ बोलिए। हाँ होते सवाल ये है कि गरीबों के लिए काम किया, जनधन अकाउंट खुलवाए और सारी चीजें हुई, तो फिर इलेक्शन जो है पूरा का पूरा पुलवामा और मैं भी चौकीदार हूँ, चौकीदार तो इसकी जो नोटबंदी को अचीवमेंट बताया गया था यूपी इलेक्शन के टाइम पर, क्या नोटबंदी के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव में? मैं राजन जी आपको मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना के समय राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद हमने सर्वोपरि रखा था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी चीजों को हमने इग्नोर किया है। आज सबसे अधिक जो चीजें उभर करके आई हैं आतंकवाद की और कुछ दुश्मन देशों के द्वारा, कुछ लोग जो उनके सहयोगी बनना चाहते हैं उनको उभार कर भारत के प्रति शिकायत करने की बात आई है, और इसके लिए हमने इसको ज्यादा उभारा है। और जहां तक बाकी सारी चीजें सबका साथ सबका विकास के नाम पर, हमने हर स्तर के लोगों को वो लाभान्वित हो सके उस पर काम किया है, उसको बड़ा उल्लेख भी करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, चाहे विद्युतीकरण की योजना होगी, हमारी सरकार ने गांव में 18,000 जो गांव सूते हुए सबका विद्युतीकरण हमने 5 वर्ष के अंदर करवाया है, ये सारी चीजें की है। मनोज जी क्या नाम बताया? हाँ बताइए। हाँ, अडवाणी जी ने वही बात की है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर व्यक्ति, यही राष्ट्रवाद का आदर्श रूप है। राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का ये आदर्श रूप है, यही हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से लोगों के मन मस्तिष्क में जाए इस बात को रखा है, और वो उसकी आलोचना अडवाणी जी ने ये बात कह करके, जो बाकी के लोग पाकिस्तान संबंधित बयान दे रहे हैं और हमारे जवानों के शौर्य पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए है अडवाणी जी का ये बात, ये उनके लिए नहीं। अडवाणी जी वो तो देखिए, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी, ये लोग हमारे प्रेरणा के स्रोत है, उनकी उनकी उपस्थिति मात्र ही कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है कि काम करता जाए। ये टिकट और ये सब उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। क्या सुन नाम नाम बन रहा हाँ बोलिए बोलिए मैंने मैंने आपको बताया, इसमें साफ तौर पर कहा है कश्मीर की जनता उसको गुमराह करने के लिए वहां की सियासत चल रही थी। और सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में क्या भाजपा के साथ जाएगी, क्योंकि चुनाव होने आने वाले समय में वो सारी गतिविधि हम करेंगे जिसके माध्यम से कश्मीर की जनता का विश्वास प्राप्त करते हुए देश के मुख्य धारा के साथ जोड़कर एकता और एकजुटता का
उनको अनुभव करा सके। फरीदाबाद के अंदर एक आपका वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि गोली मार दूंगा, वो क्या था? ये सुरजे वाले से पूछिए और हमारा वीडियो हराने जा देख लीजिए। ऐसे देखते हैं कि ये सब लोग कुंठित हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, हार मान चुके हैं। इस बहुत धन्यवाद साहब आप लोग।